तो गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं, अब से कुछ ही दिनों बाद हमें WWE का पेपरव्यू नेक्स्ट देखने को मिलेगा, रसलमेनिया बैकलैश, जो कि होने वाला है 17 मई को, और सुबह 4:30 बजे आप Sony 10.1 एंड Sony 10.3 पर इसे देख सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे रसलमेनिया बैकलैश में होने वाले सभी मैचेस की प्रेडिक्शंस के बारे में। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो गाइस सबसे पहले मैच की बात करते हैं, जो कि हमें देखने को मिलेगा डेमियन प्रीस्ट और मिज के बीच, और गाइस ये एक लंबर जैक मैच होने वाला है। अब गाइस आप सब जानते हैं दोनों सुपरस्टार की फ्यूड की बात करें तो कब से देखने को मिल रही है, बार बार रॉ पर भी इनके मैचेस हो चुके हैं और एक बार फिर से WWE ने इस मैच को बुक कर दिया है। बस डिफरेंस ये है कि इस बार ये लंबर जैक मैच होने वाला है। और यहाँ पर गाइस अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें तो सीधा सीधा प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट को WWE जिताने वाली है और वो यहाँ पर इस मैच को जीत लेंगे। अगले मैच की बात करें, जो कि गाइस हमें देखने को मिलेगा स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पर गाइस डर्टी डॉग्स यानी कि गाइस डॉल्फ जिगलर एंड रॉबर्ट वुड अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट रे एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। और यहाँ पर भी गाइस आप सब जानते हैं काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है जब रे एंड डोमिनिक मिस्टीरियो लगातार टैग टीम टाइटल्स के पीछे दौड़ रहे हैं, और मुझे लगता है गाइस फाइनली यहाँ पर मूवमेंट आने वाला है जहाँ पर हमें WWE की हिस्ट्री में पहली बार देखने को मिलेगा कि कोई बाप बेटे चैंपियंस बनेंगे, क्योंकि गाइस मेरे हिसाब से इस मैच में रे एंड डोमिनिक मिस्टीरियो न्यू स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस बनने वाले हैं। अगले मैच की बात करें, जो कि गाइस हमें देखने को मिलेगा रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए, जहां पर गाइस रिया रिपली अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगी अगेंस्ट आस्का एंड शार्लेट फ्लेयर इन ए ट्रिपल थ्रेड मैच। अब गाइस आप सब जानते हैं रसलमेनिया के बाद से WWE इन दोनों सुपरस्टार के साथ रिया रिपली की फ्यूड दिखा रही है, और फिलहाल तक जितना भी रिया रिपली को देखा है एज ए चैंपियन उन्होंने ज़्यादा कुछ खास करा नहीं है। हो सकता है कि WWE ने उन्हें अच्छे से बुक नहीं किया हो, लेकिन उनके मैचेस में भी वो बात नहीं है जो कि हमें NXT पर देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर हो सकता है कि WWE टाइटल चेंज करे, लेकिन फिलहाल आप सब जानते हैं रिया रिपली न्यू चैंपियन है, और मुझे लगता है कि आगे चलकर हमें रिया रिपली और शार्लेट की फ्यूड देखने को मिलेगी। इसलिए गाइस मेरे हिसाब से यहाँ पर रिया रिपली को थोड़ा और टाइम देना चाहिए एज ए चैंपियन। इसलिए गाइस मेरे हिसाब से इस मैच में रिया रिपली अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर लेंगी सक्सेसफुली। अगले मैच की बात करते हैं, जो कि गाइस हमें देखने को मिलेगा स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बियांका बेलेयर और बेली के बीच एक सिंगल्स मैच होने वाला है। और गाइस अगर हम बात करें इस मैच की पूरी स्टोरी लाइन की, तो गाइस ये स्टोरी लाइन ज़्यादा कुछ खास तो नहीं रही, लेकिन यहाँ पर बेली ने काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करा है, और मैं पर्सनली चाहूँगा कि बेली इस मैच को जीतकर न्यू चैंपियन ज़रूर बने, क्योंकि वो एज ए चैंपियन काफ़ी बढ़िया काम कर रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि WWE ऐसा कुछ करने वाली है, क्योंकि आप सब जानते हैं बियांका बेलेयर भी न्यू चैंपियन अभी अभी बनी है। इसलिए मेरे हिसाब से गाइस यहाँ पर वो इस मैच में बेली को हरा कर अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगी। उसके बाद गाइस अगर हम बात करें अगले मैच की, जो कि हमें WWE चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा, जहां बॉबी लैशली अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ड्रू मैकइंटायर एंड ब्रॉन स्ट्रोमन इन ए ट्रिपल थ्रेट मैच। और गाइस पर्सनली मैच में इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यहाँ पर तीनों हैवी वेट हैं और यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन भी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैच में डिस्ट्रक्शन मचाते हैं, तो मैच देखने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन गाइस सबसे बड़ी बात कि इस मैच को जीतेगा कौन, तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई टाइटल चेंज होने वाला है, और मेरे हिसाब से गाइस बॉबी लैशली इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगे। लास्ट मैच की बात करें, जो कि गाइस हमें देखने को मिलेगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जहां पर गाइस रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट सिजारो। और गाइस इस मैच की बिल्ड भी काफ़ी बढ़िया रही है, स्मैकडाउन पर काफ़ी अच्छे तरीके से इन दोनों सुपरस्टार को WWE ने बुक करा है, और गाइस यहां पर मैच का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। लेकिन गाइस फिर भी यहां पर आपको काफ़ी ऐसे मूवमेंट देखने को मिलेंगे जहां पर आपको लगेगा कि सिजारो न्यू चैंपियन बनने वाले हैं, और गाइस इस मैच में आपको देखने को मिलेगा कि रोमन रेंस सिजारो को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे, और इस मैच के बाद सिजारो का लेवल भी काफ़ी बढ़ने वाला है, और ये हो सकता है मैच ऑफ द नाइट। लेकिन गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर रिजल्ट प्रिडिक्शन की, तो डेफिनेटली गाइस आप सब जानते हैं यहाँ पर कोई भी चांस नहीं बनता कि रोमन रेंस इस मैच को हारें। इसलिए गाइस मेरी यहाँ पर पिक रहने वाली है रोमन रेंस के लिए, और मेरे हिसाब से रोमन रेंस इस मैच को जीतकर अपनी चैंपियनशिप को भी सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगे। तो गाइस ये थी मेरी प्रिडिक्शन फॉर रसलमेनिया बैकलैश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गाइस इस वीडियो को लाइक करना तो कहीं मत जाना, और कमेंट में आप मुझे अपनी प्रिडिक्शन भी ज़रूर बताइए। और गाइस साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।